यह स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एक केमिस्ट्री का चैप्टर था जिसको हम लोग एसिड बेस और साल्ट के बारे में क्या करते हैं, आज स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे। आपका जो मेन टॉपिक होगा क्या होगा, एसिड बेस एंड साल्ट। चलिए हम लोग विदाउट समय केमिस्ट्री टाइम यूनिवर्सिटी हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से एक आपका चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। क्या एसिड बेस एंड क्या है आपका एसिड बेस एंड साल्ट। इसमें से सबसे पहले आप अगर देखेंगे, ये जो आपका एसिड है यह टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा। कैसा होता है, खट्टा। सबसे पहले मैं यह अवगत करा दूं कि जो आपका एसिड होता है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा। जैसे आपका नींबू का रस, आम, ये सब स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। और कौन सा आम, कच्चा आम, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे उसमें कि आप लोग जब उसको थोड़ा सा और जब आए, जैसे इमली हुआ, टर्माइंड, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्माइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्माइंड। स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। जो स्वाद में खट्टा होता है क्या होता है, आपका अम्ल होता है। अब मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आप लोगों का थोड़ा सा सीएचएस लेवल से बता रहा हूँ। यानी एसिड के पास इतनी ताकत होती है, एसिड के पास क्या होती है, इतनी स्ट्रेंथ एंड इतनी पावर होती है कि किसी भी इक्वेशंस में आपका H प्लस पॉजिटिव रखना 100% अनिवार्य होता है। H प्लस पॉजिटिव रखना क्या होता है, 100% अनिवार्य होता है। यानी जिसमें H पॉजिटिव बने, क्या हो, आपका H पॉजिटिव अगर बनेगा तो तुम्हारा क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा, एसिड। जैसे आप लोग एक एसिड के बारे में सुने होंगे, HCl। HCl को बोलते क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक। तो आप लोग HCl का पूरा नाम भी लिखना है ताकि समझ में आ जाएगा कि HCl को आप बोल सकते हैं क्या, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसके बाद आपका NaCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, आपका सोडियम क्लोराइड। अब इसमें अगर आप लोग बात करें कि ये क्या होगा, इसमें कहीं पर H तो दिख नहीं रहा है ना, कहीं पर यह छोर से दिख नहीं रहा है, और दिख भी रहा है तो वो आपका सीएल है। आपको पता है सोडियम क्लोराइड नमक होता है, क्या होता है, नमक होता है। यह इसके एग्जांपल में नहीं आता, यह इसके एग्जांपल में नहीं आता। आप लोग NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसके बाद बात समझ में आती है कि बेस आपको क्या आता है, क्या होता है। तो बेस जो होता है स्वाद में कैसा होता है, कड़वा, बिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिटर। स्वाद में कैसा होता है, कड़वा। अब कड़वा में क्या है, सबसे पहला एग्जांपल साबुन। साबुन स्वाद में कैसा होता है, आप लोगों का कड़वा होता है। समझ रहे हैं, यानी पूरे तरीके से आप समझ सकते हैं जो स्वाद में कड़वा हो वो आपका क्या होता है, बेस। बेस की हिंदी में बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार। आपसे अगर सीएचएस में अगर क्या करता है, अगर आपसे ना क्वेश्चन पूछ लें, क्षार किसे कहते हैं, ठीक है, क्षार किसे कहते हैं, तो आप सिंपल से बता सकते हैं जो स्वाद में कैसा हो, कड़वा हो, और आप लोग उसको खाने के बाद एक जुडिशियल टेस्ट फील करें, यानी बहुत तरीके की निर्णायक जो स्वाद हो उसका, तो तुम्हारा क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार। जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूँ, सबसे पहले साबुन। क्या लेता हूँ, साबुन। साबुन आपका मेन एग्जांपल है, या इसको आप अगर खाते हो तो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। और आप जो पूरी तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास अगर कड़वा अगर उसमें अगर दिखता है, उसमें आप लोगों का मेन टॉपिक क्या है। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर बनता क्या है,
सबसे बड़ी बात तो है खट्टा और कड़वा मिला के क्या बनता है बताओ, आम्ल और क्षार मिला के क्या बनता है? नमक, नमक प्लस जल बनता है, क्या बनता है? नमक प्लस जल। यानी अगर आप एसिड और प्लस बेस दोनों अगर आपस में अगर मिलाते हो तो एसिड प्लस बेस अगर आप मिलाओगे तो आपको बनेगा क्या बताओ? आपका बनेगा साल्ट प्लस H2O, क्या बनता है? साल्ट प्लस H2O बनता है। पूरी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के बीच मिलाता रहूंगा, ठीक है? तो आप लोग तुरंत नोट करिए फटाफट इस टॉपिक को।